दोस्तों आज मैंने YouTube पर एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें दोस्तों मैंने बताया था कि पेटीएम पोस्टपेड जो वो यूज़ नहीं हो पा रहा है। तो चलिए मैं आपको बता दूँ कैसे पेटीएम पोस्टपेड को यूज़ कर पाते हो, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके लिए दोस्तों मैं आपको सबसे पहले दिखा दूँ यहाँ जो मैंने जो पेटीएम पोस्टपेड का 110 रुपये आज ही के डेट में यूज किया और कैसे यूज किया, चलिए मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको प्रूफ दिखा देता हूँ कि जो मैंने जिसे किसके अकाउंट भेजा और कैसे भेजा है। तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको अपनी ट्रांजेक्शन वाली हिस्ट्री में लेकर चलता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ जो है मैंने अपने एक फ्रेंड को पेटीएम मर्चेंट में भेज के 100 रुपया विड्रॉ किया है और कैसे निकला है, चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ जो पेटीएम पोस्टपेड भी लिखा हुआ है। तो दोस्तों पेटीएम पोस्टपेड का पैसा निकालने के लिए आपको जो यहाँ स्कैनर वाला ऑप्शन में आ जाना है और किसी दूसरे फ्रेंड का, मतलब आपको किसी दूसरे फ्रेंड का जो है पेटीएम मर्चेंट अकाउंट यहाँ पे स्कैन कर लेना है। आपको अपना नहीं, किसी दूसरे फ्रेंड का स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जैसे ही रिसीवर का नाम आता है आपको अपना नेटवर्क बंद कर देना है, मतलब आपको जो अपना मोबाइल का डाटा बंद कर देना है। मोबाइल का डाटा बंद करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो है अपना अमाउंट इंटर कर देना है, जो भी अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा नेटवर्क बंद है। अमाउंट डालने के बाद दोस्तों आपको जो है बैक करना है। बैक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको पेटीएम पोस्टपेड सेलेक्ट करना है। अगर आपका सेलेक्ट नहीं तो सेलेक्ट करना है, अगर आपका सेलेक्ट है तो सेलेक्ट ही रहने देना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपली अपना मोबाइल का नेटवर्क ऑन कर देना है। मोबाइल का नेटवर्क ऑन करते ही दोस्तों आपको जो है पे सिक्योरिटी पर क्लिक करना है। पे सिक्योरिटी पर क्लिक करते हैं दोस्तों आपका जो है पेटीएम पोस्टपेड से अमाउंट कट के आपके फ्रेंड के मर्चेंट अकाउंट में चला जाएगा और दोस्तों आपके फ्रेंड के मर्चेंट अकाउंट के माध्यम से आप अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हो। तो दोस्तों इस तरह आप जो किसी दूसरे के मर्चेंट अकाउंट में भेज के अपना पेटीएम पोस्टपेड का पैसा निकाल सकते हो, वो भी ये सिंपल सा ट्रिक यूज करके। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो से थोड़ा सा नॉलेज मिला होगा। अगर आपको वीडियो से थोड़ा सा नॉलेज मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय।